केआर न्यूज में। आंदोलनरत किसानों की मांगे मानने, बेरोजगारी दूर करने एवं बेरोजगारी भत्ता देने तथा सभी के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाने संबंधी ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा गया। शिवसेना मध्य प्रदेश महोदय से 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। मांगे इस प्रकार है, किसानों को उनकी मांग मानकर राहत पहुंचाई जाए। देश में बढ़ती बेरोजगारी से युवाओं में रोष बढ़ता जा रहा है। रोजगारोन्मुखी उद्योगों को बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। पिछले कुछ सालों से बढ़ती महंगाई से आम जनता, जिसमें विशेषकर मध्यम एवं गरीब परिवार त्रस्त हैं, जिनमें पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर एवं खाने का तेल दाल इत्यादि के दामों में बढ़ोतरी को कम किया जाए। आयुष्मान कार्ड सभी लोगों के लिए बनाया जाए, जिसमें मध्यम एवं गरीब जनता की बाध्यता खत्म हो और इसका लाभ सभी देशवासी ले सकें। भोपाल से सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर गैस की सब्सिडी जो बहाल हुई थी उसको वापस से रोक दिया गया। गैस की सब्सिडी नहीं आ रही। ये विधवाओं की पेंशन है सर, 3-3 साल से रुकी हुई है। अगर तीन मजदूरी कार्ड का बोला जाता है, नहीं बना जाता। बकायदा रिश्वत खोरी चल रही है निगम में इस काम के लिए। 1500 रुपए दोगे तो आपका ये मजदूरी कार्ड बनेगा। राशन कार्ड के लिए भी वही प्रोसेस है। और आज 20-25% घरेलू अनाज के सामानों में, किराने के सामान में मूल्य वृद्धि हो गई लॉकडाउन के बाद से। हमारा किसान आज रोड पे बैठा, स्थिति यहाँ तक आ गई। जब कांग्रेस की सरकार थी तो छाती पीट पीट के स्मृति ईरानी जी गैस के सिलेंडर सर पे लेके सारे सांसद में घूमती थी कि गैस के सिलेंडर कम नहीं हो रहा है। और आज गैस के सिलेंडर के दाम कहाँ जा रहे हैं, मामूली जरूरतों की चीज़ों के दाम कहाँ जा रहे हैं। तो इसके लिए शिवसेना ने आज बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है। और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग प्रदेश स्तर पर व्यापक उग्र प्रदर्शन करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।